हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन यूट्यूब माय चैनल वेदांशी कंपटीशन क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं आरआरबी एनटीपीसी को मद्देनजर में रखते हुए आज मेन मोड मीडियन वाला टॉपिक आपको क्लियर करा रहा हूँ और कुछ बेहतरीन से ट्रिक के साथ में आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा विद इन सेकेंडों में। और इससे कि आपको एक या दो क्वेश्चन नंबर का आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ये कंसेप्ट हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज आपको कैसे आपको माध्य माध्यिका बहुलक और परिश्रण कैलकुलेट करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कुछ आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है। माध्य को मीन बोलते हैं और इसका मतलब होता है औसत पता लगाना। माध्य का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, औसत। तो आपको संख्या दी हुई होगी, उसका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर क्या होता है दोस्तों, माध्य का मतलब क्या होता है, मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब बीच की वैल्यू। कोई भी संख्या है उसकी बीच की वैल्यू, आपको 10-15 जितने भी आपको नंबर दिए हुए होंगे उसका बीच का वैल्यू लेना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है दोस्तों। फिर बहुलक, बहुलक में क्या होता है दोस्तों, बहु प्लस लक। तो बहुत यानी ज्यादा, जो संख्या उस सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए वो ये अपना क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर है परिश्रण। परिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, रेंज। रेंज का मतलब होता है दोस्तों सबसे बड़ी वाली संख्या और सबसे छोटी संख्या, वो आपको लेना है और उन दोनों को अंतर करना है, और अंतर करने पे आपको जो संख्या प्राप्त होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अपन बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से मैं आपको चारों कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा विद इन सेकंडों में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है जो कि उल्टे सीधे क्रम में जमी हुई है। तो आपको सबसे पहले माध्य निकालना है, तो माध्य के अंदर आपको कोई इसको क्रमवाइज जमाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा संख्या को क्या करना है, जोड़ना है और जितनी संख्या है उसका भाग देना है। तो माध्य का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, औसत। तो आपको सीधा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे औसत फाइंड आउट करना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 8 3 11 11 3 14 14 1 15 7 22 22 4 26 27 27 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। और राशियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 ये बना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं दोस्तों माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या आता है, मीडियन। मीडियन यानी बीच की वैल्यू। तो बीच की वैल्यू उठाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, माध्यिका में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसे जमाना होगा। तो इसको मैं जमाता हूं आरोही क्रम में। आरोही यानी होता है दोस्तों बढ़ता हुआ, बढ़ता क्रम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे छोटी लेंगे पहले, फिर उसके बाद में लेंगे 1 1, फिर 3 3 4 4 4, ठीक है दोस्तों। फिर लेंगे 7 और फिर लेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों, ये ले लिया अपने। अब इसका क्या करना है आपको, बीच की वैल्यू, बीच की संख्या देखनी है, मीडियन मतलब बीच की। तो यहाँ पे 10 है, तो 10 के अंदर 2 संख्या बीच की आएगी, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, क्योंकि दोस्तों जहां पे विषम संख्या होगी वहां पे तो एक नंबर आएगा, एक ही संख्या होगी और वो अपना आंसर हो जाएगा। बट जहां पे 2 नंबर आए तो वहां पे दोनों को पहले आपको ऐड करना है और उसमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है दोस्तों। तो 4 3 हो जाएगा 7 बटा 2, तो 3.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं दोस्तों बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक, बहुत ज्यादा बार वो संख्या रिपीट हुए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी हो रही है दोस्तों, 4। तो बहुलक अपना क्या हो जाएगा, 4, ठीक है दोस्तों। और फिर होता है अपना रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी वाली संख्या। तो सबसे बड़ी
माइनस सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 8। और दोस्तों एक मिनट, आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं आपको यहां बता देता हूं। सबसे बड़ी तो 8 हो जाएगी और सबसे छोटी हो जाएगी 0, तो इसका क्या आ जाएगा, 8, यही अपना आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है दोस्तों।